नमस्कार, मैं श्रुति मिश्रा और आप देख रहे हैं चेतना मंच। इंसानी अगर इंसान की मदद ना करे तो वो फिर इंसान कहलाने के लायक नहीं है। हमारे जज्बात और एहसास ही हमें जानवरों से अलग करते हैं। ऐसे में जब हम किसी और इंसान के दुख को समझकर उसे बांटने की कोशिश करें तो वो वाकई तारीफ की बात है। इन दिनों फिलीपींस के कुछ लोगों की तारीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने इसी प्रकार एक बुजुर्ग शख्स के दुख को समझकर उसकी ऐसी मदद की जो नामुमकिन सी लग रही थी। आप चौंक जाएंगे। पूरी खबर जानने के लिए देखिए वीडियो। हाल ही में इंस्टाग्राम अकाउंट गुड न्यूज मूवमेंट पर इस अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें कुछ लोग 7 फीट ऊंचा मकान डंडों के सहारे कंधे पर उठाकर शिफ्ट करते देखे जा सकते हैं। वीडियो के साथ दी गई जानकारी के अनुसार फिलीपींस के जैम्बोंगो डेल नाटे एक बुजुर्ग शख्स यहां पे रहते थे। उनकी पत्नी की मौत हो चुकी थी और उनके परिवार के बाकी सदस्य यानी उसका बेटा और पोते पोतियां कुछ दूर दूसरे घर में रहते थे। वो अक्सर पिता से कहते थे कि वो उनके नजदीक शिफ्ट हो जाएं, मगर वहां कोई घर खाली नहीं था और घर को उठाकर दूसरी जगह तो नहीं ले जाया जा सकता था। इसी असंभव काम को फिलीपींस के 2 दर्जन लोगों ने संभव कर दिया जब वो लकड़ी की बल्लियों पर पूरा का पूरा घर टिकाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने लगे। दरअसल ये लोग इस बात से भावुक हो गए थे कि बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। ऐसे में उन्होंने उनके घर को बच्चों के घर के पास ही शिफ्ट कर दिया। घर इतना भारी था कि उसे उठाकर बार बार लोग नीचे रख रहे थे और काफी मुश्किल से दूसरी जगह उसे शिफ्ट किया गया। इसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति की बेटी ने सभी के लिए खाना बनाया और जलसे का आयोजन हुआ। इस वीडियो को अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चेतना मंच।